तो यार कुछ दिनों पहले हमारे स्मार्टी भाई ने एक वीडियो अपलोड करा था हिमलैंड्स का, और उस हिमलैंड्स के वर्ल्ड में एक हरी औरत घूम रही थी। मतलब यार हरी औरत को सब लोग विच नाम से बुलाते थे, मगर यार उसी वीडियो में हमको पता चल गया था कि जो विच जो औरत है उसका नाम विच नहीं है, उसका नाम है क्वीन जैस्मिन। ठीक है, वो जो क्वीन जैस्मिन है कौन, वो कहाँ से आई है, ये हम लोगों को पता नहीं है। मगर यार मैंने एक थ्योरी लगाई हुई है, अकॉर्डिंग टू माय दिमाग मैंने एक स्टोरी बनाई हुई है जो कि आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि यार मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इस पर। एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं। तो यार जो किंग ओडिन है उसका जो मेरी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है, जो किंग ओडिन है वो जो किंग ओडिन के दो बेटे थे, ठीक है, एक भाई बेटा था हरे वाला और एक रेड वाला था। रेड वाला हरे से बड़ा था क्योंकि यार बड़ा था वो, एंड जो ग्रीन वाला था वो रेड वाला का छोटा भाई था। ठीक है, अगर किंग ओडिन का जो बड़ा बेटा था उस बड़े बेटे का नाम तो मेरे को नहीं पता, मगर यार इस वीडियो में हम लोग बुलाएंगे उसको लाल वाला बंदा। तो यार लाल वाला बंदा जो था उसकी कर रही थी शादी, शादी की उम्र हो चुकी थी, और शादी करने के लिए क्या लगता है, ऑफकोर्स इस चीज़ यार एक लड़की लगती है, और लड़की ढूंढने के लिए किंग ओडिन भाई साहब ने किसको लगाया था, विजर्ड को। विजर्ड को किंग ओडिन ने लगाया था कि भाई हमारे जो बड़े बेटे हैं उनके लिए एक लड़की ढूंढ के लाओ। तो यार जो विजर्ड था वो भाई अलग ही गेम खेल रहा था इनके साथ। विजर्ड को एक तो पूरा का पूरा हिमलैंड चाहिए था, नहीं तो भाई विजर्ड को राजा बनना था, नहीं तो भाई किंगडम चाहिए था पूरा का पूरा। तो यार ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो यार हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये जो यार जो क्वीन जैस्मिन है जो हरा हल्क है वो कौन है। तो यार क्वीन जैस्मिन कोई भी क्वीन बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक गांव में रहने वाली एक लड़की थी, और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तभी यार वो सुंदरता को देख के वो विजर्ड जाता है उसके पास और बोलता है कि तुम्हें मैं एक किंगडम गिफ्ट करूंगा, एक लालच देता है कि भाई तुम्हें मैं किंगडम दूंगा, तुम उस किंगडम की रानी होगी। तो यार भाई गरीब घराने की लड़की यही सोच कि भाई मैं एक रानी बनूंगी, तो यार वो उसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि यार जो क्वीन जैस्मिन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा भोली रहती है, तो उसकी बातों में आ जाती है, विजर्ड की बातों में आ जाती है। ठीक है, अब वो विजर्ड उसको क्या कहता है कि तुम नाटक करोगी कि वो जो लाल वाला बंदा था उसके साथ वो शादी करोगी तुम, और बस शादी करने का नाटक करोगी, और जो किंग ओडिन जो था उसके रूम में जाके किंग ओडिन को तुमने मार देना है, मतलब उसको ख़त्म कर देना है। और जो क्वीन जैस्मिन थी वो बन गई झांसी की रानी, और झांसी की रानी बन गई, एक्टिंग वगैरह वहाँ पे किया, जैसे ही मारने की बारी आई किंग ओडिन को वैसे ही झांसी की रानी ने हग दिया। मतलब यार वो मार नहीं सकी उसको, क्योंकि यार राजा था, इतने बड़े किंगडम का राजा था, तो ये ऐसे ही थोड़ी मार सकती कोई भी आयरी गरी लड़की। तो यार वो किंग ओडिन बच जाता है, और किंग ओडिन उसको सजा देने की कोशिश करता है, मगर वो जैसे ही बोलने का ट्राई करती है, क्वीन जैस्मिन जैसे ही बोलने की ट्राई करती है कि मेरे को विजर्ड ने बोला था, वैसे ही विजर्ड क्या करता है उसके ऊपर कर्ज लगा देता है। और विजर्ड किंग ओडिन को कहता है, किंग ओडिन हम इस लड़की को यार इतनी आसान मौत नहीं मार सकते, क्योंकि यार इस लड़की ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा गुनाह करने की कोशिश करी है, इस लड़की को अपनी सुंदरता पे काफ़ी ज़्यादा नाज है, इसलिए हम इसकी सुंदरता ही बिगाड़ देंगे, और सारे लोग इसे विच या भूतिन या चुड़ैल नाम से बुलाएंगे। मतलब यार एक तरफ से जो विजर्ड था वो क्वीन जैस्मिन को ब्लैकमेल कर रहा था, क्वीन जैस्मिन भी इसलिए चुप बैठ रही थी क्योंकि यार क्वीन जैस्मिन को विजर्ड ने चेकमेट कर दिया था, मतलब यार मुंह पे गिरा दिया था, मतलब उस अब बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं था क्वीन जैस्मिन के पास, क्योंकि यार उसने गुनाह भी करा था और कोई उसको बोलने का चांस भी नहीं दे रहा था। अगर यार क्वीन जैस्मिन हिम्मत जुटा के अगर वो किंग ओडिन को कहती भी कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी यार जो कर्ज था वो कर्ज हटाने का बस एक ही उपाय था, ऐसा उसको लग रहा था, जैस्मिन को लग रहा था कि कर्ज हटाने का एक ही उपाय है, और वो उपाय विजर्ड के पास है। मतलब यार वो बुरी तरीके से फंस चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है, निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तो यार बहुत दूर जाने के बाद वो अपने जंगल में घर बनाती है, जैस्मिन जंगल में घर बनाने के बाद मतलब बहुत सारे टोटके करती है, मतलब मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकती हूँ, मैं कैसे वापस सुंदर बन सकती हूँ, मगर यार उसको ये तो नहीं आया कि मैं सुंदर बन कैसे सकती हूँ, मगर यार उसने बहुत सारी चीज़ें मायावी चीज़ें सीखी कि यार अंधे होने को कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब उसने पॉइजन सीखा, जैसे कि स्मार्टी भाई को पॉइजन ही लगा था, मतलब यार कुछ उसने काली जादू मतलब सीख चुकी थी वो भी। ठीक है, घर में बैठते बैठते कुछ रिसर्च करते करते सीख चुकी थी। और कुछ सालों के बाद वहाँ पे आते हैं हमारे स्मार्टी भाई, स्मार्टी भाई आते हैं, हमारा हीरो स्मार्टी भाई उस जैस्मिन को वो हरे हल्क को वो ठीक भी कर देते हैं कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि यार पिछले कुछ एपिसोड में आपको पता चल गया होगा उनको एक लेक मिली थी, वो और लेक से उनका भी कर्ज ठीक हो गया था, कर्ज तो नहीं था उनको, कुछ तो मतलब हुआ था मगर कर्ज नहीं था। ठीक है,
तो यार वो बस ठीक हो गए, मतलब ऐसा कुछ तो मेरी थ्योरी थी। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आपको पसंद आई है तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि यार स्मार्टी भाई मेरे इस वीडियो को रिएक्ट कर सके। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।